कुछ दिन के लिए मैं ही रहने वाला हूँ आपके साथ एंड आई गॉट कंपनी विद मी। डू यू रिमेम्बर वेले? अगर आपको वेले याद था तो हमें नहीं याद। तो वी आर हियर एंड हमारा एक ट्रिप प्लान हो रखा है जो कि हमारा आज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड आगे कुछ 6-7-8 दिन 10-12 व्लॉग होपफुली हम कर पाए जो कि बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए लेकिन 3 साल बाद भाई कैमरा उठाया है। 3 साल बाद 3 कैमरे हैं लेकिन 3 साल बाद या ग्रोथ तो है। इस टाइम अभी 5 बज रहे हैं एंड हमारी फ्लाइट है 8:20 की एंड थिंग्स आर गोइंग इंटरनेशनल दिस टाइम। बैगेज ड्रॉप पे है, हमने घर पे नापा था बट मोटा मोटी आया था कि 20.1 किलो हमारा मतलब 100 ग्राम ऊपर जा रहा था। होपफुली वो लोग जाने दें। डन विद द बैगेज, हमारा टैग मिल चुका है जो कि अभी हिडन है कि हम कहाँ जा रहे हैं। नाउ वी आर एंटरिंग टू द इमिग्रेशन। यहाँ पे आई थिंक कैमरा वगैरह सब अलाउड नहीं होता। फाइनली पहला ठप्पा लग गया है। सक्सेस तब होएगा जब उस धरती पे कदम रख दे। इमिग्रेशन क्रॉस करती है जैसे ड्यूटी फ्री में घुसे हैं हमारी देवियों की आखने चौकन्ना रह गई है। कुछ खास गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम आ चुके हैं एक नए बिल्कुल एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ। मैं कह रहा हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं बता दे, सबको बता दे कहाँ जा रहे हैं। इट्स बीन ऑलरेडी 15 मिनट्स मैन सिंस द ब्लॉग हैज बीन स्टार्टेड। हमारे पास अभी मोटा मोटी बोर्डिंग चालू होने में 1 घंटा बचा हुआ है और फ्लाइट का टाइम अभी 2 घंटा हो गया है। लगी है, तूने क्या मंगाया? क्या है तेरा? जो आ गया खाली है। आपका क्या? मशरूम चीज बैगुएट सैंडविच। नाम भी नहीं आ रहा और ये पता नहीं, बोलना नहीं चाहता बट वैसा सा कुछ है भाई। ये लग रही है क्लासी चीज। इट्स अराउंड वर्थ आई थिंक 500-600 रुपये। जस्ट हमने जो बताया था मैंने इतनी महंगी कॉफी खाने के बाद एंड देखो पीछे क्या चल रहा है। पीछे चल रहा कंटेंट क्रिएशन चल रहा भाई साहब। ये देखो रीले बनाई जा रही है बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आधा घंटा हमारे पास है मस्ती खोरी करने के लिए तो हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। इधर बढ़िया सा व्यू आ रहा है, थोड़े ऐसे शॉट्स ले रहे हैं जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजिशंस के अंदर जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर यू गाइस गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। तो हम कंटेंट क्रिएट करते करते इतना ज़्यादा खो गए कि हमें दिमाग में भी नहीं रहा कि हमारा टाइम हो चुका है। मुझे लग रहा है 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर हमारी बोर्डिंग वो हो जाएगी क्लोज, बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाएंगे और हमें 14 नंबर पे जाना। हम 4 नंबर पे घूम रहे हैं लेकिन किस्मत सारा इतनी सड़ू है कि सपोज करो हम 15 नंबर पे खड़े हैं एंड हम पूरे टाइम सोच रहे हैं कि अरे अपना तो 14 है, नो वरीज, जस्ट 1 गेट अहेड। एंड गेस व्हाट, हमने जैसे ही वो 1 गेट की तरफ गए सारा रैंकिंग 1 से चालू हो गई, 1 से 15 जाना पड़ गया। इनकी जो एक ख्वाहिश थी श्रुति देवी की कि जिनको ज़िंदगी में एक बार अपना नेम अनाउंस करवाना है, ऐसा बंदों ने कॉल किया है बकायदा। अब हमारी प्लेन में हम लास्ट बंदे हैं जो बोर्ड कर रहे हैं। यही होता है जब आप सबसे आखिरी में आ रहे हो प्लेन के अंदर, पूरी लॉबी आपके लिए खाली है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ब्रदर? वीडियो बन रही है। आपको नहीं पता दुबई बस भी चल रही है इंडिया से। भाई साहब कसम से मुझे बेटर एक्सपेक्टेशन थी एयर इंडिया एक्सप्रेस से। अरे 4 घंटे काटने हमें इस फ्लाइट में। बाहर बारिश तो हो रही है बहुत जोरदार। चालू हो गए, निकल के आ चुके हैं और ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बंच ऑफ कैदीज रिलीज नहीं होते ना। बट आई मिस आईजीआई एयरपोर्ट, ये तो टेंट है ब्रो। लैंड कर चुके हैं इस टाइम शारजा में ड्यू टू सम
यू नो कब ना टाइमिंग इशूज़, हमने शारजा बुक कराया था ऑफकोर्स, हमें दुबई का नहीं मिला था हमारे फ्लाइट मेरे के अकॉर्डिंग, बट पहली बात सच सच बता फिर आई ज़्यादा वो भी देखना पड़ता है तो इशूज़ ही ना वो भी इशू ही है ब्रो द थिंग इज मेंस के लिए मीटिंग की चीज़ मिल रही मेरे को भाई, मैं पूरी फ्लाइट में कहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं पूरी फ्लाइट में भाई कहीं भी वॉशरूम नहीं गया और अभी लगी हुई है और पूरे शारजा में कहीं मिल ही नहीं रहा है, किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। हमें प्रेयर एरिया मिल गया, हमें फीमेल एरिया मिल गया, हमें फैमिली एरिया मिल गया, स्मोकिंग लाउंज मिल गया, लेकिन मर्दों को मोटने की जगह नहीं है, दिस इज सम कंसर्न, क्रेजी कर दिया ब्रो। हम मर्द है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो हमने इमिग्रेशन प्रोसेस क्रॉस कर लिया है एंड ऑफिशियली वी आर इन UAE, सिम काउंटर पे हैं, जो कि बाहर निकलते सबसे पहले ऑफकोर्स नीड थी, इसके लिए थोड़ा रिसर्च भी किया था हमने, बट जहाँ तक आ रहा था कि DU का सिम, हमारे नेटवर्क भी एयरटेल ने ऑटोमेटिकली DU के पकड़े हैं यहाँ पे एंटर करते, बट यहाँ पे हमें कहीं DU या DU जो भी उसे बोलते हैं उसका काउंटर नहीं मिला, एक्सलैक जो भी है, एक्सलैक की हमने सिम ली है, 7 days का उसके अंदर हमें पैकेज मिला है, 200 dirham के अंदर 7 days अनलिमिटेड 5G डेटा प्लस 100 minutes ऑफ कॉल, बोल तो रहा है इसका कवरेज अच्छा है, हर जगह रहेगा, हमारा दुबई और अबू धाबी मेन वो है, अब जैसा यूज़ करेंगे उसके बाद पता लगेगा क्या कुछ हिसाब किताब है इसका। भाई बाहर निकलती तो खतरनाक गर्मी, और हमारे कैब वाले भैया इतने स्वीट हैं कि उसने बोला कि एक ग्रुप फोटो हो जाए, मतलब यू नो सो हैपनिंग गाइस, इनमें से कोई हमारी कार होगी, इंटीरियर मैं नहीं दिखाऊंगा, इट्स प्रोहिबिटेड, बट हम इनमें से किसी लग्जरी कार में बैठने वाले हैं। भाई कैडिलैक चाहिए ब्रो, मेरी बीवी देखो कितनी मेहनत कर रही है। कैसा लग रहा आपको दिल्ली के एकदम अच्छे वातावरण, बारिश के मौसम से निकल के इस कड़कती धूप के अंदर मैंने बंजर एरिया में आपको लाके पटक दिया है। डीवर्ड ब्रो, ग्रे कैडिलैक, दिस इज कैडिलैक, हम दिखा नहीं सकते इंटीरियर वगैरह सब अच्छे से, बट बिलीव मी इट इज कैडिलैक। सो गाड़ी में बैठ चुके हैं और देखो पिन्नी भी नहीं उतरी गाड़ी की। कितना दूर अभी यहाँ से? हमारे होटल पहुंचने में बढ़िया वाली बात देखो कि हमें जो ड्राइवर मिला है वो हमारा राजस्थानी भाई मिला है। भाई अच्छी लग रही है यार गाड़ी, कैडिलैक तो ऑफकोर्स अच्छी है ही, कैडिलैक से बढ़ गया क्या चाहिए इधर भाई दुबई में, और मतलब अगर आप एमिरेट्स आ रहे हो यू गाइस शुड प्रेफर कैडिलैक एज योर रेगुलर व्हीकल। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और आई थिंक ये रमाडा है, वो है ना, अच्छा ये इज, अभी 3 बजे का चेक इन था हमारा, अभी मोटा मोटी आई थिंक 12 या 1 बज रहा है, हम रिसेप्शन पे गए, हमें थोड़ा पहले रूम अगर आप दे दोगे तो, बट उन्होंने कहा कि आपको 2 घंटा का वेटिंग टाइम है, तो अभी हम लॉबी में बैठे हुए हैं और इंडिया के टाइम के हिसाब से 1:30 बज रहा है, यहाँ पे 12 बजा है मतलब, हाँ तो वी नीड टू ईट समथिंग, तो हम देख रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस के एरिया के अंदर अगर कुछ खाने का मिल जाता है अच्छा, जो कि हमारा कैब वाला बता रहा था कि हमारे आस पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एरिया भी अच्छे एरिया के अंदर आता है। वी आर वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, बाई स्ट्रीट्स तो कैडी है, हम देख रहे हैं आजू बाजू कुछ खाने का मिले तो, ये तो कुछ क्रोकरी वोकरी का सामान है, इधर तो मिक्सर ग्राइंडर लेना है। यहाँ पे पूरी स्ट्रीट के अंदर जो रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट है हम देख के आए हैं, क्योंकि हमें 2 घंटा आई थिंक हम इसमें ही जा रहे हैं, दावत ज़ाकिया रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट में हम घुसे थे दावत ज़ाइका, उससे हमने एग्जिट ले लिया तुरंत ही, बिकॉज उनको अपने मेनू के आइटम ही नहीं पता क्या है, मतलब उसने बोला चिली पोटैटो तो वो शॉक हो गया, उसने पहले अपना मेनू देखा कि चिली पोटैटो होता क्या है, जो कि लिखा हुआ था वहाँ पे, फिर अब उसने, हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहाँ पे हैं काफ़ी सारे और नूर स्वीट टूलेट ऑफिस स्पेस, ऑफिस भी खोल सकते हैं ब्रो। तो फाइनली 3-4 अलग अलग रेस्टोरेंट देखने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में आए, तो भी यहाँ पे भी हमको बहुत मिनिमल आइटम मिले हैं, 2 हमने वेज आइटम लिए हैं, 2 हमने चिकन आइटम लिए हैं एंड हमने लिए ड्रिंक्स, इसके बाद हमारा टोटल बिल क्या आता है लेट्स सी, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड ऑफ 2500। तो हमने खाना खा लिया है, हमारा मोटा मोटी लगे 70 dirhams, भूख तो ख़त्म हो गई लंच की, ऑल्दो में खाना अच्छा नहीं लगा कुछ। एंटर द सुपर मार्केट एंड मस्त है बट्टू, बार्बी आपके लिए बार्बी, इतना हैंडसम बार्बी, टॉय स्टोर है, टॉय स्टोर देखो ब्रो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, ओनली लैम्बो वी कैन अफोर्ड ब्रो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा टॉय स्टोर में क्यों घुसे हैं सबसे पहले ब्रो, भाभी को आगे मत आने दे यार। हमारा मेन प्रायोरिटी है छाता, फिलहाल ये वो नहीं है गाइस, परशुनाथ मेट्रो मॉल ने कुछ कुछ सामान लिया, आए थे छाता लेने लेकिन लेके क्या निकल रहे हैं, हमने थोड़े बहुत चिप्स लिए हैं,
देवियों ने मैगी ली है कि हम मैगी बनाएंगे, हमारा खाना मिले ना मिले। मैं मतलब यार तुम विदेश आके भी मैगी खा रहे हो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तू क्यों मिक्की माउस बना घूम रहा है? अरे धूप रो कर रहा हूँ, कानों में धूप लग रही है। तू पहली बार तो छाया में खड़ा है, अब तो भाई साहब बस रूम मिल जाए फटाफट इसकी इसके खून आएंगे भर भर के नहाएंगे। मैं तो लेट ही जाऊंगा पानी में जाके। व्हाट्स योर व्यू ऑफ दुबई टिल नाउ? नॉट इंप्रेस्ड? नहीं जाना कोई विदेश? इस भूल भुलैया में खो न जाना। देख भाई ये कारपेट तो याद ही आता है हर जगह। चलो आप रूम टूर दो, वही वाला देना जो वो कौन सा है घर घर की कहानी वाला। आ जाओ और एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी करना है। चलो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। आई हैव टू चेक द मेन थिंग। हट जाओ आगे दे, हट जाओ। एंड yeah, we've got the bath of ourselves. बहुत रेस्ट करना है अभी, इस टाइम नहाना है। रूम काफी अच्छा। अरे यार मेरे को वो देखना है व्यू क्या है। अबे यार ये तो छत मिली है। ओके सो एक चीज तो रह गई, अब तक हमने हमारा आउटफिट रिवील नहीं किया। OOTD, सो हियर इज समथिंग लाइक, हटो यार पहले मेरे को दिखा दो। दिस इज माय OOTD जो मैंने फुल एयरपोर्ट लुक प्लान किया था। नाउ लेट्स रिमूव दी शूज जिन्होंने मेरी बैंड बजा रखी है। तो थोड़ी सी क्या, थोड़ी 2-2.5 घंटे की बीटी होगी। आया मैं भाई साहब, इसको लग रहा है मैं इससे बात कर रहा हूँ, हूँ कर रही है पीछे। ऐसा लेटे हैं बेड के ऊपर, हिम्मत नहीं हुई कैमरा वैमरा कुछ उठाने की, क्योंकि रात की भी नींद नहीं हो रखी थी, बिल्कुल रात को नहीं सोए हुए थे। फ्लाइट में तो जैसी आती है वैसी आती है नींद, तो बस आया नहाया और लेट गया। तो लास्ट टाइम जहाँ पे था कोई होश नहीं है, उस बात को 2 घंटा हो चुके हैं, 2 घंटे बाद उठे हैं। इट्स 5 in the evening एट हेयर दुबई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जैसे तैसे करके थोड़ी मेहनत मशक्कत करके फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके एंड वी हैव रीच्ड दुबई। एंड अभी हमारा जो होएगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना आगे क्या सीनेरियो है। हमारा 6-7 दिन का प्लान है, डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, फुल पैक्ड है, सब प्लान्ड है, नो इश्यूज। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अभी थोड़ा बैंड बजी पड़ी है, थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे, चाय वाय पियेंगे एंड देन आगे का दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ अगर आपको पसंद आया तो डू वॉच द फुल सीरीज। बस यही, बाय।